ऊना के सरकारी अस्पताल में आज प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ किए जाने के बाद ऊना में भी इसका शुभारंभ कर दिया गया है। आज ऊना अस्पताल में डॉक्टर विक्रांत प्राशर को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। वैक्सीन लेने के बाद डॉक्टर काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। ऊना अस्पताल में आज 100 हेल्थ वर्कर्स को कोविड की वैक्सीन दी गई। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य अधिकारी सहित जिले के DC की मौजूदगी में यह पहली डोज दी गई है। जिला ऊना में राष्ट्रीय स्तर पर जो कोरोना के वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हुआ है उसका शुभारंभ आज RH ऊना और CHC गगरेट से किया गया है और 180 लोगों का जो टीकाकरण है उसका अभियान जो है आज शुरू हो गया है। इसके उपरांत ये जो टीकाकरण है वो 18, 22, 23, 28 और 1 फरवरी तक प्रथम चरण में चलेगा और इसके लिए वैक्सीन की वायल्स हैं वो 3300 डोजेज़ हमें उपलब्ध हो चुकी हैं और अतिरिक्त डोजेज़ जब आएंगी उसके लिए भी जो तैयारी है सेशन साइट्स पे और कोल्ड चेन पॉइंट्स पे वो पूरी कर ली गई है ज़िला में। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन देने के लिए क्या प्लानिंग है, वहाँ कैसे है? इसमें जो हमारे वैक्सीनेशन के साइट्स हैं वो CHC और PHC लेवल तक बने हुए हैं। इसके अलावा कल ज़िला टास्क फोर्स की मीटिंग में हमने पुलिस, रेवेन्यू और हेल्थ विभाग के और एजुकेशन विभाग के साथ जो है एक जॉइंट मीटिंग की है। उसमें निर्णय लिया गया है कि अगर ज़रूरत पड़ती है और वैक्सीन की उपलब्धता ज़्यादा होती है तो विलेज वाइज जो है इसमें कैंप लगा के भी ये जो सुविधा है वो लोगों तक पहुँचाई जाएगी। सर, वैक्सीन को लेकर लोगों में तरह तरह की अफवाहें हैं, सर उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जो वैक्सीन भारत सरकार द्वारा लगाई जा रही है ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के बाद जो है वो बनाई गई है। इसके तीनों फेज के ट्रायल पूरे हो चुके हैं और उसके डेटा के आधार पे ही इसको वैक्सीन को सुरक्षित पाए जाने के बाद ही ये लॉन्च की गई है और इसमें कोई भी ऐसी सोशल मीडिया पे अफवाह या किसी भी तरह की नेगेटिव न्यूज़ को जो है वो उसमें विश्वास ना करें। जो विज्ञान है हमारा उस पर आधारित वैक्सीन है और उस पर विश्वास करना ज़रूरी है और इस बारे में जो भारत सरकार और मंत्रालय के द्वारा जो उनके आधिकारिक प्रेस नोट जारी हो रहे हैं उसी के द्वारा आप जो है जानकारी प्राप्त करें। मगर वैक्सीन कम मिली तो क्या कहेंगे? ऐसा है, हमारे पास जो 3300 डोज आई हैं जो कि 1650 लोगों को ये लगाई जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट चरण में जो है हमें शिमला से और वैक्सीन मिलेगी और चरणबद्ध तरीके से सभी बेनिफिशरीज को जो है ये दिया जाएगा और इसमें डेट्स जो हैं जैसे आपको बताया गया है 16 को, 18 को, 20 को, 22 को, 23 को, 28 को, 30 को और फिर 1 फरवरी को, ये पूरे चरणबद्ध तरीके से सभी बेनिफिशरीज को कवर किया जाएगा और उसके बाद जो है सेकंड लाइन वर्कर जो हैं उसके बाद स्टार्ट किए जाएंगे। सेकंड फेज़ में जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, पुलिस वाले हैं, होम गार्ड के हैं, फॉरेस्ट के हैं, इन सभी को कवर किया जाएगा। सर, कितने महीने में ये सारा का सारा जो वैक्सीन का काम है सर ये समाप्त हो जाएगा? देखिए, अभी ऐसी कोई टाइमलाइन नहीं है। जैसे ही हमारा फर्स्ट फेज़ ख़त्म होगा हेल्थ बेनिफिशरीज का और उसके बाद सेकंड फेज़ शुरू हो जाएगा फ्रंट लाइन वर्कर्स का, उसमें भी करीब 15-20 दिन लगेंगे। उसके बाद थर्ड फेज़ में आएंगे जो 50 साल से ऊपर हैं और जो कोमॉर्बिडिटी वाले हैं, तो ये लेके चलिए कि महीने के बाद उनका भी नंबर आ जाएगा। सर, वैक्सीन की मगर सुरक्षित रखने के लिए क्या इंतजाम? हमारे पास जो बड़े बड़े ILR होते हैं जिनमें कि टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, ये वैक्सीन जो है 2 से 8 डिग्री के बीच में मेंटेन किया जाएगा इसको और वो हमारे पास सफिशिएंट स्पेस है क्योंकि ये एक डोज जो है उसमें 10 वैक्सीन है। सर, इसकी वैलिडिटी कितने समय की है? इसकी जो हमारे पास जो आया है वो मई तक का वैक्सीन है तो ये मई से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, ये महीने के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो खेप आएगी उसमें जो डेट होगी तो ये जो भी आएगी वो एक महीने के अंदर ही हमारे पास वैक्सीन ख़त्म हो जाएगा। सर, जो नेक्स्ट चरण है वो 28 दिनों के बाद है, दूसरी डोज का है सर, तो वो आप सर कैसे मैनेज करेंगे क्योंकि बिकॉज तब तक कोई और भी पर्सन आ चुके होंगे सर आपके पास? बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है क्योंकि 28 दिन के बाद जो वैक्सीन है, हमने ये वैक्सीन की आधा वैक्सीन है वो हमने 28 दिन के बाद वालों के लिए रखा है। उसके बाद जब और लोग आएंगे तो उसके लिए हम जो है और वैक्सीन जो है मंगाएंगे। जो आज पहला वैक्सीन करेंगे ऊना के अंदर स्टार्ट हो चुका है सर, लोगों का संदेश देना चाहिए? मेरा सबसे आग्रह रहेगा कि जो आज से शुरुआत हुई इसका टीकाकरण की, इसमें जैसे भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने प्लान किया उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ें और वैक्सीनेशन करवाएँ ताकि जो COVID-19 जो हमारे जूझ रहे हैं, कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, इससे हम पा पाएँ।
सर, कुछ लोगों में सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये धारणा है कि ये वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ हेल्थ वर्कर्स को लगेगी, क्या हमें नहीं लगेगी, तो उनका चरण कब स्टार्ट होगा सर? देखिए, ये हेल्थ डिपार्टमेंट ने तय किया है, प्लानिंगली होगा, क्योंकि होगा सबका टीकाकरण, लेकिन जो भी काम करना है बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से होता है, तो उसी तरह सबका होगा। ऊना से जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ अनुबाला की रिपोर्ट।